अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको डिज़र्ट बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि मेरी कुकिंग की तरह, खानों की तरह ये भी बहुत सिंपल है और इजी बन जाने वाली है। तो आज मैं बना रही हूँ एंजल डिलाइट से स्वीट डिश, ठीक है। ये मेरे पास एक पैकेट है, ये आपको किसी भी जगह से मिल सकता है इजीली। मैंने, क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये टेस्को से बाय किया है। आप ट्राई कीजिएगा, आपके किसी भी स्टोर से आपको ये आराम से मिल जाएगा। ये हम ट्राइफल बनाने जा रहे हैं, तो एक पैकेट मैंने लिया है। इसके साथ मैं इसके अंदर यूज करूंगी ये केक, प्लेन केक, साथ ही मैं यूज करूंगी ये टिन है मेरे पास, फ्रूट टिन मिक्स वाला। जरूरी नहीं आप यही कंपनी, यही ब्रांड लें, आप चेंज भी कर सकती हैं। और आइसक्रीम मैं इसके अंदर डालूंगी, शुगर इसके अंदर ऐड नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर जब मैं आइसक्रीम डालूंगी तो ये स्वीट होगा। और दूध मैं इसके अंदर यूज करूंगी और क्रीम यूज करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कितनी चीजें हमने कब और कैसे डालनी है। बस आपने ये इसके अंदर डालना है, और ये जो पैकेट है पूरा, इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। ये आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और ये मेरे पास एग बीटर है, इसके साथ हमने इसको उतनी देर तक मिक्स करते जाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन ठीक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है थोड़ी हम ज्यादा इसके अंदर डालेंगे। रेडी करके रख ली है, तो अब मैं ये करूंगी कि हमने एक बाउल लेना है जिसके अंदर हम ये चीजें शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको ये डालूंगी, देखिए ये थोड़ा थिक शेप में आ गया। हम वो इस आप जब इसको फ्रिज में बना के रखेंगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर एक इस तरह से डालूं, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से जब मेहमान आए तो आप बना के थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले इसको रख सकती हैं, कोई टाइम नहीं। हर चीज आपके घर में आराम से मिल जाएगी आपको। एक लेयर आप केक की दें, एक लेयर आप फ्रूट की दें। कोई जो आपको फ्रूट पसंद हो आप वही फ्रूट डालिएगा, सामने जो बाकी है इसको इससे कवर कर लेंगे। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, ये देखिए बिल्कुल फ्रिज में डालते ही बिल्कुल ये ठीक हो गया है। इसको जिस साइड से भी करें, तो फिर जब आप सर्व करने लगेंगे उस वक्त आप ये क्रीम जो है इसके ऊपर कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगती है, बहुत अच्छी लगती है फिश फ्रेश क्रीम इसके अंदर। देखिए मैंने क्रीम जो है ये इसके ऊपर सारी चारों तरफ से डाल दी है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी स्टाइल से, आप अपनी मर्जी से जैसे भी इसके ऊपर कर सकती हैं। और मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, क्रीम आपने उसी वक्त डालनी है जब आप मेहमानों के आगे सर्व करने लगेंगे, क्योंकि क्रीम, ये फ्रेश क्रीम ऐसी होती है कि अगर आप पहले से डाल के इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये फौरन मेल्ट हो जाएगी, चाहे आप फ्रिज में भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी